नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवीर के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उम्र घटाने और बढ़ाने वाले फूड्स के बारे में। वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, ज्ञानवीर के इस वीडियो को आप जरूर से पूरा देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसी प्रकार की वीडियोज आप रोजाना देख पाए। दोस्तों आप सभी को पता है कि खान पान का सेहत पर कितना असर पड़ता है, यह बात आप सभी से और ना ही हम सभी से छुपी हुई है। दोस्तों सभी स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि आधी से ज्यादा गंभीर बीमारियों का कारण होता है गलत प्रकार का खान पान। वैज्ञानिकों ने एक नई स्टडी में पाया है कि ज्यादातर लोग प्रोसेस्ड फूड्स के कारण बीमार हो जाते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या होते हैं प्रोसेस्ड फूड। अगर आप नहीं जानते हैं कि प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं तो हम आपको बताते हैं। प्रोसेस्ड फूड का अर्थ होता है ऐसे आहार, ऐसा खाना जो कि स्वादिष्ट तो हमें लगता है लेकिन यह तेज प्रकार के टेम्परेचर, भारी दबाव और मशीनों आदि से बनता है। सबसे पॉपुलर प्रोसेस्ड फूड मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ब्रेड, चिप्स, ब्रेकफास्ट वाले फ्लैक्स, चोको चिप्स, चीज बटर, मैदा, पैकेट बंद चीजें जिसमें नमकीन आती है, नमक आता है, स्नैक्स आता है, पिज्जा आता है, बर्गर आता है, कोल्ड ड्रिंक आता है, ये सभी प्रोसेस्ड फूड होते हैं। इन प्रोसेस्ड फूड को भले ही गेहूं, चावल, कॉर्न, चने की दाल ऐसे अनाजों से बनाया जाता है मगर प्रोसेसिंग के दौरान इनके सभी पोषक तत्व अलग निकाल लिए जाते हैं, तभी तो यह प्रोसेस्ड फूड कहलाते हैं। अब इनके अंदर पोषण नहीं होता है लेकिन यह खाली सिर्फ खाने की चीजें होती है, पोषण इनका पहले ही अलग निकाल दिया जाता है। अब दोस्तों प्रोसेस्ड फूड से घटती है इंसानों की जिंदगी। दोस्तों प्रोसेस्ड फूड में फाइबर बिल्कुल नहीं होता है जबकि हमारे शरीर के लिए फाइबर इतना जरूरी है कि जो कि हमारे शरीर का ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार फाइबर वाले फूड्स के सेवन से आप ज्यादा दिन तक जीवित रह सकते हैं जबकि प्रोसेस्ड फूड, पिज्जा, बर्गर आदि जो लोग खाते हैं उनको बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और उनका जीवन काल कम हो जाता है। अब आपको हर रोज जरूर से 19 ग्राम फाइबर अपने खाने में जरूर से लेना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को हर रोज कम से कम 19 ग्राम फाइबर जरूर से लेना चाहिए। ऐसे लोग जो रोजाना 35 से ज्यादा ग्राम फाइबर खाते हैं उनमें समय से पहले मौत का खतरा 35% तक कम हो जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को साबुत अनाज, दाल, राजमा, चना, बीन्स, सब्जियां और कच्चे फल खाने चाहिए। अब दोस्तों आपको खाने की आदतों को कैसे बदलना है, कैसे स्वस्थ जीवन आपको जीना है। अगर आप अपने सेहत के लिए काफी चिंतित रहते हैं तो आपको अपने खाने में फाइबर को ज्यादा से ज्यादा शामिल करना है। यहाँ आप नया तरीका खोज सकते हैं। अगर आप अभी सफेद ब्रेड खाते हैं या फिर मैदे से बनी चीजें खाते हैं तो अगली बार आप होल ग्रेन ब्रेड खरीदिए और मैदे की जगह आटे का प्रयोग कीजिए। व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस खाइए। ब्राउन पास्ता ट्राई कीजिए। अपने खाने में हर रोज कम से कम एक कटोरी लेग्यूम्स जैसे दाल, राजमा, चना आदि को जरूर से शामिल करें। फ्रोजन की जगह ताजी सब्जियों का इस्तेमाल करें जो कि आपकी उम्र को बढ़ाने में भी मदद करता है। हालांकि ज्ञानवीर यूट्यूब चैनल यही चाहेगा कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आपकी जिंदगी जरूर से बढ़ती रहे। तो ऐसे में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज्ञानवीर को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।